कहाँ तक हुआ था? ट्रिजोमेट्रिक का लाइसोमर। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तक हुआ था। ठीक, ओके। चलिए इसमें क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया? यस सर। ठीक, इसमें कह रहा है कि एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाउ मेनी ऑक्साइड्स आर फॉर्मड। तो इसमें क्या करना है आपको कि पहले तो ये समझना कि कौन सा एरोमेटिक कह दिया है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो C8H8O है, तो उसमें से क्या कीजिए, C6H5 बेंजीन वाला फॉर्मूला हटा दीजिए, तो आपको बच जाएगा, क्या बचेगा, CH2CH4। देखिए यही बच रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। yes. तो आप देखिए, अब एक ये भी हो सकता है, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH2CH4 को COCH3, बतवा बराबर है। देखिए H इधर कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा ना दोनों। अब इससे ये साबित हुआ कि हम पहला फॉर्म ये हुआ कि बेंजीन पर CH2CHO डाल दीजिए, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि बेंजीन पर COCH3 डाल दीजिए, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तीसरा फॉर्म भी ये हुआ कि भाई आप जो CHO है, इस CHO को आप डायरेक्टली लिख दीजिए, तो यहाँ पर CH3 डाल दीजिए। तीनों का फॉर्मूला यही होगा, C8H8O। बोलिए आया समझ में? आ गया। अब इसके इसके तीन फॉर्म फर्दर बनेंगे, ऑर्थो, ये मेटा पर भी डाल सकते हैं, ये पैरा, तीन फॉर्म हो गए। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब आइए कि जब ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शंस करेगा, तो मैंने कहा था कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो NOH बनाएगा, तो C(NOH), तो ये दो प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि हर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, हर डबल बॉन्डेड एटम, यहाँ दो डिफरेंट, यहाँ दो, यहाँ पर तो डिफरेंट है ही है। देखिए इसके भी दो ऑक्साइन बनेंगे, इसके भी दो ऑक्साइन बनेंगे, क्योंकि देखिए इस डबल बॉन्डेड पर दो डिफरेंट ग्रुप है कार्बन पर, और NOH बनेगा तो उस पर भी आ जाएगा। इसमें टोटल 6 फॉर्म बनेंगे, हर फॉर्म में दो, तो देखिए इसका आंसर जो हुआ, हाउ मेनी ऑक्साइम्स, तो टोटल ऑक्साइम कितना बनेगा, 10। बोलिए हाँ या ना, टोटल ऑक्साइम कितना बन, यस सर। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, टोटल ऑक्साइम 10 बने, कोई डाउट?
No sir, no doubt. Done, sir. Good. अब देखिए इस पर अमोनिया डेरिवेटिव्स पर उल्टा क्वेश्चंस भी आएगा. देखिए क्या आएगा क्वेश्चंस लीजिए. आपको मालूम है अमीन के साथ कार्बन कंपाउंड अमीन के साथ रिएक्शन करके इमीन बनाता है. एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको प्रोडक्ट दे देगा, कहेगा जैसे यहाँ पर दे दिया आपको डबल बॉन्ड एन सी एस थ्री, ये इमीन है. चूंकि आपको मालूम है डबल बॉन्ड एनएच जो होता है इमीन होता है. अब वही कहेगा कि अब तक पढ़ा था हम लोगों ने रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट बनाना, आप प्रोडक्ट देके आपको कहेगा रिएक्टेंट बताइए. तो कुछ मत कीजिए. देखिए हमने कहा था ना कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड अमीन के साथ रिएक्शंस करेगा अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ तो वाटर को हटाना है, याद है आपको? यस सर. तो इसमें भी यही कीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कहे कि बताइए क्या कौन सा है, तो आप उसका ट्रिक्स याद रखिए कि आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए जैसे ओजोनोलिसिस करते थे. जो नाइट्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन ऐड कीजिए अब बगल में. तो देखिए ये रिएक्टेंट रहा होगा साइक्लोहेक्सेन एंड CH3NH2. अब इसी दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो यही बन जाएगा. आया समझ में? यस सर आ गया. रिवर्स डायरेक्शन में भी क्वेश्चंस देगा. आगे बढ़ें. यस सर. हाँ ये लिख लिया. क्या नाम है? यस सर. अब आइए ये करके आप दिखाइएगा कि मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है.
चलिए इसका प्रोडक्ट बना के देखिए। देखिए आपसे कट 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 कीजिए, यहाँ H2O, यहाँ तो ब्यूटेनॉन हो गया, अब प्लस NH3 हो गया। बोलिए आया समझ में? यस सर। यहाँ पर भी ये कीजिए, नाइट्रोजन के नजदीक H2, यहाँ ये कीजिए NH2, एनिलीन हो गया, प्लस ये एथेनल हो गया। देखिए हर तरह का क्वेश्चन आ गया। अब ये रिमार्क्स लिखिए। देखिए इन सेमी कार्बिजाइड सेमी कार्बिजाइड तो आप देखा था सेमी कार्बिजाइड में देयर आर बट ओनली वन NH2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इसका रीजन ये याद है ना, सेमी कार्बिजाइड में NH2 NH CONH2 यही तो है सेमी कार्बिजाइड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर दो NH2 है तो मैंने कहा था जो NH2 CO के डायरेक्टली है, देखिए डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये सब रीजनिंग टाइम में बोर्ड लेवल पर पूछ सकता है। कहना ये है मेरे साथ साथ कि सेमी कार्बेजाइड द लोन पेयर on NH2 group directly bonded to C double bond O. becomes delocalized. उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच किसी ने कंटिन्यू कीजिएगा, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। And do not behave as a nucleophile.
डन सर। अब आइए, ये चार रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, अल्कोहल एंड अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव में कुछ सात रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन था। अब आइए नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस पर। टॉपिक डालिएगा अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन देखिए, इसको समझने के लिए तीन तरह का आपको पढ़ाया जाएगा। एक सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, और एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर विथ इन द सेम मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। Yes. Good. अब ध्यान ये दीजिए कि मैं आपको समझा रहा हूं सिंपल। देखिए बोर्ड में सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन नहीं लिखेगा, केवल अल्डोल कंडेंसेशन लिखेगा। तो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन लिखा जाए या केवल अल्डोल कंडेंसेशन लिखा जाए, तो बतवा बराबर है, आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। ये मैंने डिफरेंशिएट के लिए बताया, पहले जैसे डिफरेंशिएट कैसे होगा, टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा इसमें, दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन, यहाँ टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होगा। इस डिफरेंशिएट के लिए आपको ये लिखा है टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर क्या है कि टू कार्बोनिल कंपाउंड within same molecule, two carbonyl compound within a short bond, same molecule। समझ में आ रहा है ना? Yes. सर, आपने वो जो इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन था उसमें लिखा है टू कार्बन कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूल। जी जी, एक ही मॉलिक्यूल में दो रहेगा। ओके सर, बताएंगे डिटेल में। यहाँ देखिए, अब इसकी डिफिनेशन लिखिए, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, या और करके मैं लिख देता हूँ, बोर्ड में केवल देगा, बोर्ड स्कूल के एग्जाम में अल्डोल कंडेंसेशन, तो बतवा बराबर है। तो लिखिए मेरे साथ साथ लिखिएगा, तो when two same carbonyl compound must have at least one alpha hydrogen, पहली कंडीशन यही है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्डोल कंडेंसेशन। When two carbonyl compound must have at least one alpha hydrogen undergoes reaction
द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. पहली ये जो बनाता है टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. यहां तक रिएक्शन, यहां तक अगर होगा तो इसको कहते हैं अल्डोल रिएक्शन. कंडेंसेशन का मतलब हुआ फर्दर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ये कहते हैं अल्डोल रिएक्शन. इसी में द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फर्दर इलिमिनेशन ऑफ वाटर. पहले यहां तक लिखिए, यस सर, इलिमिनेशन ऑफ वाटर अपॉन हीटिंग. To give alpha beta unsaturated aldehyde. Unsaturated aldehyde ya keto. It's called aldol condensation. Yes, sir. Likhiye. तो पहले ये प्रैक्टिस हो कि अल्डोल रिएक्शन तक अगर रिएक्शन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनेगा. अल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो पहले मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगा. गौर से सुने, जैसे आपके पास है 2CH3CHO. पहले कभी भी एग्जाम में इस तरह दिया रहा है डायल्यूट NaOH, सिर्फ डायल्यूट NaOH रहेगा तो अल्डोल रिएक्शन कराएंगे, हीट दिया रहेगा तो हम अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे. समझा? तो चलिए मैं इसको दो स्टेप में करके सिखाते हैं. जब ये रहेगा तो हम प्रोडक्ट जो बनाएंगे CH3CHO बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अल्फा बीटा. अब ये कैसे हुआ हम बताएंगे आपको. फर्दर हीट करके माइनस वाटर आपको जो बना CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO, ये हुआ असल. अभी आपको ये भी डायरेक्ट बनाने आना चाहिए, ये भी डायरेक्ट बनाना चाहिए. तो पहले लेकिन मैकेनिज्म समझते हैं, इससे आपको समझाने में आसानी होगी. मैकेनिज्म क्या, अल्डोल कंडेंसेशन क्या, एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो हम पहला काम ये करेंगे, स्टेप फर्स्ट, कि हम बेस बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल, सॉरी बेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो है एनोलेट आयन, मतलब CH2 है HSI. ध्यान दीजिए, और आपको मैं बता चुका हूँ एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है. इसका जो ये बीटा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा. बेस इसलिए लिया गया कि ये OH माइनस आएगा, बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन, ये एच को लेके उड़ेगा, तो देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस्ड होगा. मैंने कहा भी था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आइदर एसिड और बेस कैटलाइज. पहला काम तो ये होगा, प्रॉब्लम. अब ये रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा कि नहीं फास्ट, ये पहले बताइए. ये
जल्दी लिखिए। Yes, अब आइए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब दो एल्डिहाइड लेते हैं तो आप देखिए ये सी एच थ्री है, सी ओ है और एच है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये इसके पॉजिटिव पर अटैक किया, तो देखिए सी एच थ्री सी एच ओ माइनस सी एच टू सी एच फोर। तो ये आपके फर्दर ये वाटर तो बना ही है पहले स्टेप में, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लिया। तो अब देखिए सी एच ओ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, लेकिन फिर वही बात अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो इसलिए अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्डेड है, जैसे ही आप अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीजिएगा तो सी एच थ्री सी एच सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच, समझ में आया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, पहले तो ये आया समझ में? यस सर। ये स्लो प्रोसेस हो रहा है, इसलिए सारे लोग हाँ है ना। Yes. तो देखिए प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स ये कि इनांडोन कंडेंसेशन आपने देखा, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन ऑफ वन कार्बोनिल कंपाउंड is formed between alpha carbon of one carbonyl compound and carbonyl carbon of another. ये लाइन याद रखना है। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे जैसे CH3CHO है आप कुछ नहीं कीजिए, दो दफा CH3CHO लिखिए,
डाइल्यूट NaOH है, देखिए ये अल्फा कार्बन है और कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दीजिए और सबको एज इट इज लिख दीजिए CH3CH, इस पर O है, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो इस O के साथ अटैच करा दीजिए, इस पर क्या बचेगा CH2, देखिए डायरेक्ट हो गया। और जब ये बन जाएगा तो दूसरा तो आपको बन ही जाएगा, अल्फा बीटा के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड दे दीजिए। तो ये अगर आपको हीट दिया रहे तो आप दो स्टेप में प्रोडक्ट बनाइए, जबकि ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको ये होगा। तो दोनों काम में ऐसा तरीका बताएं जिसमें दोनों आपको आए बनाने के लिए। आया समझ में? हेलो, यस सर आया। अब मैं एक क्वेश्चन चाहूंगा, सुनिए जरा सो, अभी थोड़ी थोड़ी बाकी है, मैं ये यस देगा अगर आपको तो आप CH3CHO अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, CH3CH2CH4OH। अब जैसे इसके साथ इसका इसके साथ बॉन्ड है तो यहाँ CH3 क्या होगा, इस CH के नीचे आ जाएगा। समझ में बात आई? हाँ, यहाँ एक हाइड्रोजन घटा के यहाँ। अब देखिए फिर फर्दर हीट दे दिया तो आपको फाइनल पर कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा के बीच में डबल आया। Intersection of planes minus, yes sir, yes sir, हम पैक करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो हमने बहुत दूर से करी है, लेकिन तो बहुत काम करना है, बहुत काम, तो बहुत लगा है, लेकिन मैंने नहीं बनाया, हम कहाँ में लाइक कर रहा, दुबारा
Yes, sir, done. देखिए आपने शायद किया होगा सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री देखिए अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन सी एस थ्री इस सी पर OH सी के साथ जो सी एस थ्री उसको नीचे फिर यहाँ सी एस टू बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया फिर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड ये हुआ होगा आपका माइनस एस टू ओ सी एस थ्री सी पर सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी ओ सी एस थ्री यस सर Yes, sir. ये हुआ होगा आपसे भी यस सर गुड उसको
इसमें भी कुछ नहीं है, आप क्या करें? एक का अल्फा कार्बन, दूसरे का कार्बोनिल कार्बन, बस यहीं से आप इसको अटैच करा दो। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, इसके साथ किया तो बीच हो जाएगा। क्लियर है? फिर हीट करेंगे, हाँ फिर हीट करेंगे तो वाटर हट जाएगा। Yes, sir. अब आइए, मिक्स्ड या क्रॉस्ड अंडोल कंडेंसेशन। तो एन वन और एन टू का वो तुमने तीन से कहा होगा छह देखो कैसे करो छह देखो कैसे करो लीजिए एन वन का मैं लीजिए दूसरा मैं लीजिए तो कैसे ठीक करता हूँ मैं सबको पढ़ा है। When undone condensation is carried out in the presence of a strong base is called, इसमें भी वही है, दो different है, mixed का मतलब होता है, अच्छा एक मिनट एक मिनट, when undone condensation carried out, एक मिनट चुप रहो, सलाम तो छुट्टी हो गया ना, carried out between two different प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही रहे। अब देखिए इसमें कैसे कुछ तरीका वही रहेगा, जैसे अगर आपको कोई कह दे CH3CHO + SCHO, एक के पास अल्फा हाइड्रो होना ही चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अंडोल होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अब क्या कीजिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसका उसके साथ कौन बनाएगी? तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन अलग से कर देता हूँ, CH3CHO है,
SCHO है। ग्लास है सर, वो अभी ला तो सर का चाय लाने गया था। चाय एक क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा है, ये कार्बोनिल कार्बन है। हमने आपको कहा था कि CH2 है, इस पर हो जाएगा, इसका H इसके O के साथ लग जाएगा, समझा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा CH CHO। आया समझ में कि नहीं आया? सॉरी यस यस नीट है। Yes. Yes, sir. तो देखिए इसमें अल्फा कार्बन है, इसमें कार्बोनिल कार्बन, तो कुछ नहीं है, इसी तरह लिख दीजिए जैसे आप CH5CH4CH2CH1 फर्दर हीट माइनस H2O। सर जैसे कि इस एग्जांपल में तो डायरेक्टली पता चल गया कि हमें CH3CHO का अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन लेना था, बट अगर बाकी में कैसे पता चलेगा अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप पर दोनों में प्रेजेंट है? हाँ, जब दोनों में रहेगा तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, वो भी कराएंगे अभी। इसमें एक में तो अल्फा, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं क्योंकि बेंजाल्डिहाइड है ये। यस सर, लिख लिया इसको पहले। यस सर, लिख लिया। अब देखिए जैसे सर जब दोनों पे रहेगा तो चार प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। सी एस सी ये पूछ रही थी क्या? आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो ये था, यहाँ आप दोनों पर है तो इसमें देखिए चार प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। पहला सिंपल अंडोल कंडेंसेशन करा दें सी एस थ्री सी एच ओ का, एक इसी का इसी के साथ जो जो आप कर चुके हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा सिंपल अंडोल कंडेंसेशन ऑफ सी एस थ्री सी एस टू सी एच ओ इसी का इसी के साथ। तीसरे में क्या होगा कि एक का एक एक को कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनाइए, दूसरे पर अटैक, मतलब यहाँ पर अगर आप सी एस थ्री, अब ये वाला मैं बना देता, ये दोनों तो आप कर ही चुके हैं,
अरे बोलिए ना, बस एक का आप न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, एक का न्यूक्लियोफाइल, इसका कार्बोनिल कार्बन, तो CH3CHOH CH3CHO। चौथा क्या होगा कि भाई ये उल्टा कर दीजिए कि एक का CH3CH2 इस पर अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, समझ रहे हैं आप? यस सर। यस, CH3CH बाकी तो बाद में वाटर निकाल ही देंगे। तो ये है चार प्रोडक्ट। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। तो आज इतना ही पढ़िए। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।